झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों से वोट देने के अपने पक्ष में वोट लेने की अपील कर रहे हैं। वह समझा रहे हैं कि आप एक अच्छे प्रत्याशियों को चुनिए, क्योंकि आपका एक मत इस क्षेत्र का भविष्य, इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा, इस क्षेत्र को सुखमय बनाएगा। आपका एक मत इस क्षेत्र के जो है कह सकते हैं कि पूरा सुख छीन लेगा। ऐसे में आपको तय करना है कि वोट किसे देना है। इस चुनाव परिचर्चा को लेकर हम पहुंचे हैं उसाने पंचायत में और यहां हमारे साथ हैं चैनपुर पूर्वी से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी अजय कुमार चेरो जी। अजय कुमार सिंह चेरो जी, अभी बता दें इनके बारे में, इनका भाई भी काफी यहां पर कद्दावर नेता गिने जाते हैं और लगातार वो क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अजय जी, सबसे पहला तो आपको मतलब पहले बधाई हो कि आप चुनाव के मैदान में हैं। क्या ये मामला मतलब लगता है कि चुनाव में लोग वोट देने के जैसे आप लोगों से जा रहे हैं कहने, तो क्या कहने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और इस चैनपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता की ओर से सिटी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के इस प्रक्रिया में हमारी जो आवाज़ है वो जनता तक, जन जन तक पहुँचा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो बोल रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि इस लोकतंत्र प्रक्रिया में अगर मैं हिस्सा ले रहा हूं तो जनता की मांग है, जनता की डिमांड है, तब जाके हम इस क्षेत्र में आए हैं। जनता ने ये बोला कि आप एक शिक्षित युवा और मैनेजमेंट से पढ़ाई किए हुए विद्यार्थी हैं, आप जितना इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें दम नहीं है, जो आप में दम है। तो मैं जनता का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हर जगह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, जैसा कि आपने बोला कि एक एक वोट है वो कीमती है और आने वाले दिन में एक वोट पूरे क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करता है। उसके साथ साथ एक एक वोट जो है, जो यहाँ हमारे गार्जियन, जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनको मैं घर घर जाके यही समझा रहा हूँ कि एक वोट आपके बच्चे का 5 साल का भविष्य भी तय करता है। तो आप एक एक वोट, एक एक कदम को परख के और अपने जो भी प्रतिनिधि आते हैं आपके पास, क्योंकि चुनाव में है, चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया का जो प्रचार चल रहा है उसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत वायदे भी करेंगे, कुछ बांटेंगे भी, लेकिन उस चीजों पर ध्यान नहीं देना है, चूंकि लोकतंत्र एक में वोट का अधिकार एक इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप बड़े से बड़े नेता को भी अगर वो काम नहीं किया है तो आप नीचे गिरा सकते हैं और एक छोटे से नेता को आप बड़ा सा नेता बना सकते हैं। वो एक ताकत है इस लोकतंत्र में, इस वोट का। तो आप एक एक वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें। मैं ये भी हर जगह जा रहा हूँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट करो, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें से आप जाँचो, परखो, अपने अपने विचार को उस नेता के पास रखो जो आपके पास प्रत्याशी है, इसके बाद आप वोटिंग करो। कितनी बड़ी बात है कि अजय जी ने कहा कि पहले परखो तब वोट करो, किसी के बहकावे मत आओ। चुनाव का मौसम है, कई चुनावी चुनाव जैसे बरसात आती है तो मेढक टटराते हैं, वैसे चुनावी जब मौसम आते हैं तो कई नेता निकल कर सामने आते हैं, वो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं। तो ऐसे में बहकावे में ना आए, सोच समझ कर आप एक वोट दे। अजय जी, मतलब एक सवाल है, भाई का राजनीतिक जो इस क्षेत्र में रहा है उसका कितना लाभ मिल रहा है? देखिए भाई, जब से हमारे बीच इस क्षेत्र के अंदर पूरे मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी रह चुके हैं, तो उनका प्यार भी, जो जनता जो है, जनता के बीच जो हम जा रहे हैं तो जनता यह संदेश दे रही है कि आपके भाई भी एक कदावर नेता है, गरीब नेता है और गरीबों का हर समय हमेशा ख्याल रखते हैं, तो उसका फायदा मुझे मिल रहा है। चूँकि मैं भी एक पत्रकार से बिलोंग करता हूँ, पत्रकार था, तो पत्रकारिता में भी मैंने कहीं ना कहीं आवाज़ को उठाया है, गरीब जनता की जो आवाज़ है उसको हमने उठाया है, उसका फायदा भी मुझे मिल रहा है। और हम लोग जमीन से जुड़े हुए नेता है सर, कहीं भी हम लोग को देखिएगा, चाहे वो मरनी हो, जीनी हो, किसी का शादी विवाह, हर जगह हम लोग उपस्थित होते हैं, उसका प्यार हमको भरपूर मिल रहा है। और अब भाई साहब जो अभय जी हमारे छोटे भाई हैं, हालांकि जब भी हम जाते हैं क्षेत्र में तो बोलते हैं कि अभय जी आपके बड़ा भाई है ना, बोले कि नहीं, हमारे वो छोटे भाई हैं, हम उनका बड़ा भाई है, तो बोले जब छोटा भाई में इतना दम है तो बड़ा भाई तो
क्या ताकत है उसके अंदर, एक मिनट हम आपसे पूछेंगे। सवाल है, अजय सिंह जी मैदान में है, कितना जनता में इसे लेकर के उत्साह है? चैनपुर प्रखंड पूर्वी क्षेत्र ग्राम अवसाने दुबा के रहने वाले अजय कुमार चेरू जी हैं। हम लोग के बहुत अच्छा अच्छा नेता हैं, हम लोग अच्छा काम करेंगे, हम लोग चुने हुए हैं अच्छा नेता। तो ये कितना फायदा, जैसे ये इस क्षेत्र का है, कितना लगता है कि पहले के चुनाव में इस बार का चुनाव में अंतर आएगा? देखिए, अच्छे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि हम लोग को नज़दीकी करीबी जानते हैं, इन लोग समझते हैं, परखे हैं, वोट करेंगे हम। कितना बदलाव होने की बयार लग रही है इस बार की? हाँ, ठीक है, पूरा फिक्स है, बदलाव हो गया। आप बाबा बताइए, ठीक है, मतलब कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है, बदलाव होगी इस क्षेत्र में? हाँ, फिक्स है। अजय जी इस क्षेत्र के बेटे ही हैं और इस यहाँ के लोगों से दिल से जुड़े हुए, यही वजह है कि लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र से सबसे बड़ी जो बात आ रही है अजय सिंह के बारे में, कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति है और पढ़े लिखे हैं, ये समझ सकते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्षेत्र में क्या समस्या है, समाधान के लिए भी आगे आएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अपने, इन्होंने खुद ही कहा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी चुनिए, ये नहीं कहा कि हमें वोट दीजिए, ये कहा कि आप अच्छे प्रत्याशी चुनिए, जितने प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें हमारा कंपेयर करिए, अगर हम मतलब कमज़ोर हैं या हम गलत हैं या मतलब हमारा हम कहीं से कमज़ोर हैं, तब आप जो है दूसरों को वोट दीजिए, लेकिन अगर हम बेहतर हैं तो हमें वोट दीजिए, हमारे साथ और भी। क्या लगता है मतलब अजय जी के बारे में? हमको यह लगता है कि हमारा भाई अजय कुमार सिंह चेरो जिंदाबाद, 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 अजय कुमार सिंह चेरो जिंदाबाद। क्या लगता है पिछले जनप्रतिनिधियों ने पिछले जो चुनाव जीते इस क्षेत्र में कभी आए देखे? नहीं, बोले है? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। आप देखिए, जिला परिषद सदस्य जो यहाँ रहे थे उनको देखे हैं कभी? नहीं, चुनाव दौरान में तो देखे थे लेकिन बाद में नहीं देखे हैं। नहीं देखे चुनाव नहीं के देखे। मैदान में कभी यहाँ आए दोबारा चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिनिधि थे? आए हैं, बाकी काम कुछ नहीं किए हैं, नहीं, बस मौका के इंतजार में आन करके दंडत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किए। क्या क्या देखते हैं अजय जी, क्या देखते हैं, क्या होनी चाहिए जो विकास नहीं? हम तो अभी आए, इतनी सड़कें खराब कि मेरी गाड़ी आने में मतलब समझ जाइए कि जो सफर हम 15 मिनट में कर सकते थे अभी एक घंटे का सफर लगा। क्या लगता सर, जिस प्रकार से आप अभी डाल्टनगंज से यहाँ चल कर आए हैं, आप जब देख रहे होंगे कि जैसे आप चैनपुर से इन किए होंगे चांदो के बाद, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप अभी आ रहे हैं, आप जनता से पूछ लीजिए ये रास्ता कई सालों से बंद है, सारी गाड़ियां इधर से जाती है, ये रास्ता बंद है, जबकि हम इधर से अगर जा रहे हैं, इधर से अगर हम जा रहे हैं तो इधर लगभग 10 किलोमीटर आपका सफर चांदो तक जाने में लगेगा, इधर से मात्र 3-4 किलोमीटर का होगा, तो आप 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो ये जनता मैंने दुर्भाग्य है, ऐसे नेता जो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जो जिला परिषद सदस्य है, वो इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ सर, जो भी जिला परिषद जीत के गए सबका ये कहना है, लोग मैसेज दे रहे हैं मुझे कि लोग बोलते हैं कि जिला परिषद में फंड नहीं है, मैं मानता हूँ पिछली बार फंड नहीं थी, इस बार कुछ फंड आ रहा है, ऐसा मुझे प्राप्त हुआ जानकारी, फंड नहीं था लेकिन आप जनता के बीच तो आ सकते थे, जनता की समस्या तो सुन सकते थे, तो ये चीजें भी मुझे सुनने को मिला है कि ठीक है, जनता ये भी बोल रही थी हम चुने थे, हम अच्छा जान के चुने थे, लेकिन आप 5 साल नहीं आए, मतलब जनता को आपने धोखा दिया, जनता से आपने संवाद नहीं किया, जिसके कारण आपकी छवि खराब हुई है, तो जनता इस वजह से जितने भी पुराने प्रत्याशी हैं उनको नकार रही है और नया चेहरा को तलाश कर रही है। बता दें कि हम जब चैनपुर से चले तो इतनी सड़कों की हालत जर्जर, जो मुझे 15 मिनट में आना चाहिए लगभग एक घंटों का तय करना पड़ा। दूसरी ये बात कि जिला परिषद में फंड नहीं है, कौन आपसे कहा? जिला परिषद में फंड भी थी। दूसरी बात, जो विकास की अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो जितने भी मतलब अभी हम चांदो क्रॉस कर रहे थे तो वहां सड़कों पर पानी बह रहा था, यानी नली का पानी सड़क पर बह रहा था, आपने अगर आपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, लेकिन कम से कम सुख दुख का हम सफर तो रहते, ये कहना है अजय सिंह चेरू जी का और आम यहाँ के आम नागरिक का। तय करना आपको है कि क्या होना चाहिए, वोटर आप हैं, अजय जी मतलब क्या क्या समस्या यहाँ का प्रमुख समस्या दिख रहा है? देखिए, जैसा कि आपने पहले बताया कि सबसे जो मूलभूत
जरूरत है इंसान की सड़क की, चाहे वो अगर डाल्टनगंज जाना हो यहाँ से, कि कोई मरीज अगर बीमार हो उसको जल्दी से पहुंचाया जा सके, उसके लिए ज़रूरत है सड़क। तो सड़क सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा का स्थिति आज सरकारी स्कूलों में आप देख रहे होंगे, वो स्थिति है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है, और जितने भी अभिभावक हैं जो गार्जियन हैं उनको हजारों रुपये का मेहनत का पैसा प्राइवेट स्कूल में देना पड़ रहा है। जब सरकारी स्कूल में टीचर्स को, एक एक टीचर्स को अगर 80,000 90,000 का वेतन मिल रहा है, तो उनका दायित्व होना चाहिए कि इस क्षेत्र के बच्चे को ढंग से पढ़ाएं। यहाँ पे बहुत सारे जनता हैं, आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ के शिक्षकों का क्या बर्ताव है अपने विद्यार्थियों के प्रति, और यहाँ जनता बता देगी आपको खुद ब खुद कि यहाँ का शिक्षा का क्या। शिक्षा और सड़क, जी शिक्षा और सड़क हमारी पहली मुद्दा है, पहला हमारा संकल्प है कि आते ही शिक्षा और सड़क इसको हमने दुरुस्त करना है जी। किसी भी क्षेत्र का विकास की मापदंड जो होती है वो सड़कें होती है। सड़क अगर बहुत अच्छी हो तो उस क्षेत्र का विकास निश्चित है कि होना ही है, और जो इस क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो पाया उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सड़कें बदहाल है। अजय जी ने कहा कि अगर चुनाव जीतते हैं तो इनका दो मुख्य मुद्दा होगा, एक तो सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, दूसरी शिक्षा पर जोर देंगे। अंतिम में आप खाली अजय जी हमको ये बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सर मैं अपने तमाम चैनपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको जो एक वोट करने का अधिकार है, अपने क्षेत्र के लिए एक ऐसे नेता और बेटा का चुनाव करना है जो आपके बीच हर समय सुख दुख में साथ रहे और आपकी समस्या को जिला तक पहुँचाने का काम करे, लगातार जनता के बीच संवाद करता रहे, और जो जिला परिषद सदस्य है जो सिर्फ और जिले में मीटिंग कराते हैं, मैंने जिला परिषद का कार्यपालिका विधि पढ़ा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हर जिला परिषद सदस्य को जिस क्षेत्र से वो चुन के जाते हैं उनका दायित्व है कि उस क्षेत्र में जनता के बीच बैठकर हर जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं उनके साथ बैठक करें, संवाद करें, समस्या क्या है उसको उजागर करें और उस समस्या का निदान करें। तो मेरा ये संदेश है कि अगर मैं जीत के आता हूँ, जनता ने मन बना लिया है, मैं अगर खुश दिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, इसलिए मैं खुश हूँ। उम्मीद है जो 31 तारीख को काउंटिंग होगी, जनता का संदेश अच्छा आएगा मेरे प्रति, और जनता को मैं अभी से मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि इतना चेहरे पर मुस्कान है। अजय जी के चेहरे पर साफ मुस्कान दिख रही है, मुस्कान से यह बात तो निश्चित रूप से आप सब समझ सकते हैं कि किसी के अंदर मुस्कान क्यों आएगा। निश्चित रूप से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, और जैसा इनका कहना है यही वजह है कि इनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने न्याय जो है जिला परिषद का जो मैनिफेस्टो है उसको भी पढ़ा है कि कैसे विकास होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़ा लिखा ही तरह बात कर रहे हैं। शिक्षा को दुरुस्त करना, सड़कों को दुरुस्त करना, इन्होंने अपील किया है कि लोग अपने हमारे पक्ष में वोट दे। मतदाता आप हैं, चुनाव में आपको वोट देना है, आपका एक मत बहुत कीमती है, सोच समझ कर वोट दे, क्योंकि मत तो जरूर देने जाए चूंकि वो आपका अधिकार है, लेकिन आपका एक मत इस क्षेत्र के भविष्य को तय करना है। अब आपको तय करना है कि इस क्षेत्र में सड़कें अच्छी हो, आपका बच्चे अच्छे पढ़े, आपके यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, यह तय करना आपका है, क्योंकि आपका एक वोट 5 सालों के लिए इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। तो सोच समझ कर वोट दे, और एक अच्छे व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।